लीजिए जनाब, अब हम बात करेंगे दो नंबर फिरोजिया की। कोई आसान पहचान बताएं। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि फिरोजे का, वो तो मैंने आपको आसानी से बताया था ना कि आप देख के बता सकते हैं ये फिरोजा असली है या नकली है। लेकिन ये जो पहचान मैं आज आपको बताऊंगा, ये वो पहचान है जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। और मेरे ख्याल से मेरे एक भाई हैं, उन्होंने अपने YouTube पे वीडियो भी अपलोड की थी, मोइन भाई, तो उन्होंने बताया था और काफ़ी टाइम पहले उन्होंने वीडियो बनाई थी। तो देखिए, फिरोजे की पहचान अगर आप आसानी से करना चाहते हैं और दुकानदार से अगर आप छुप के ये काम कर सकते हैं, जाहिर सी बात है अगर आप दुकानदार के सामने ये काम करेंगे तो वो बोलेगा कि भाई मेरे पैसे निकालो, मेरा स्टोन आपने ख़राब किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको डाउट है, आप दुकान पे जाते हैं स्टोन लेने और आपको डाउट है कि जनाब ये जो हम स्टोन ले रहे हैं ये दो नंबर है, ठीक है, अब वो बंदा आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझे ये 5,000 रुपये का मैं आपको दूंगा तो 5,000 मुझे दे, और आपको डाउट है कि ये स्टोन फेक है, तो आप उससे बात कर सकते हैं कि भाई देखिए कि मुझे डाउट है ये स्टोन फेक है। अगर आपको डाउट है तभी आप बोलिएगा, ऐसा नहीं है कि स्टोन असली है, नज़र भी असली आ रहा है और आप सिर्फ मेरी वजह से कि मैंने बताया कि शमशेर साहब ने बताया था कि इसकी पहचान आपने ऐसे करनी है और आप जनाब वहाँ पे ये काम करना शुरू कर दें और बाद में दुकानदार को दिखाएं कि ये देखें ये इस बंदे ने बताया था यूट्यूब पे, तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। मैं आपको पहले से बता दूँ, ये पहचान जो है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को समझ नहीं आती, लोगों को थ्योरी वाली बातें समझ नहीं आती, लोगों को प्रैक्टिकल बातें समझ आती हैं। तो इसलिए मैं बता दूँ कि इसकी पहचान करने से पहले आपने एहतियात क्या करनी है। मैं आपको पहले से बता दूं, जब भी आप शॉप पे जाएं और आपको डाउट गुजरे कि ये स्टोन नकली है, तो आपने क्या करना है कि अगर तो आपके हाथ में चाबी है, बाइक की चाबी है, जाहिर सी बात है आप शॉप पे जाएंगे तो या तो आपके पास गाड़ी की चाबी होगी या बाइक की चाबी होगी, अगर चाबी नहीं भी है तो आप कहीं से कोई चीज़ ऐसी ले लें, नकली चीज़ लेकर आपने क्या करना है, आपने फिरोजे की बैक साइड, मैं आपको कोई बड़ा दाना दिखाता हूँ, आपने फिरोजे की बैक साइड जो है यहाँ पे अगर चाबी है तो चाबी के साथ आपने इसको हल्का हल्का ऐसे ना खुरचना। अगर आपके पास स्टोन घर में मौजूद है कि आप कहते हैं कि जी मेरे पास स्टोन मौजूद है फिरोजे का, मुझे बताएं मैं इसकी पहचान कैसे करूँ, लोग तस्वीरें भेजते हैं कि ये फिरोजा असली है या नहीं है, तो उनके लिए भी मैं बता दूँ कि अगर आप घर में मौजूद हैं, आपके पास चाबी है, चाबी नहीं है घर में, छुरी ले लें, छुरी आप लेके आप स्टोन की बैक साइड जो है, अगर तो अंगूठी में है तो फिर आपने उसका फ्रंट थोड़ा सा करना है, अगर अंगूठी के बगैर है तो आपने फिर उसकी बैक साइड पर छुरी के साथ आपने आहिस्ता 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 इसको ऐसे ना रगड़ना है। रगड़ने से क्या होगा कि इसका जो है ना ऊपर से स्टोन जो है वो उतर जाएगा और नीचे से आपको नज़र आ जाएगा कि ये स्टोन असली था या नकली है। अगर तो ये बना हुआ पाउडर का, जैसे मैंने इंडियन फिरोजे का बताया था कि इंडिया के जो फिरोजे आते हैं वो पाउडर के बने आते हैं, उसके अलावा जो है ना चूने के बने आते हैं, तो अगर वो दो नंबर हुए तो जैसे ही आप इसको खुरचेंगे तो इसका ऊपर का जो हिस्सा है वो उतर जाएगा स्टोन वाला और नीचे इसके आपको सफ़ेद सफ़ेद जो है वो नज़र आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि जनाब ये किसी चीज़ का बना हुआ था, और अगर चूने का हुआ तो आहिस्ता 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 वो बुनना शुरू हो जाएगा। तो आप बैक साइड से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास अंगूठी है और आपको डाउट है कि वो नकली है तो आप उसकी एक साइड से ऐसे इसको खुरच सकते हैं। ये पहचान थोड़ी सी मुश्किल है, यानी कि इसमें आपका स्टोन वेस्ट होने का डर है, लेकिन इसमें कम से कम आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टोन असली है या नकली है। उसमें आप एक थोड़ा सा हिस्सा जो है ना वो खुरच सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारा स्टोन ही आप रगड़ दें और बाद में बोले ये देखे शमशेर भाई मैंने स्टोन अपना ख़राब कर लिया, स्टोन तो असली है। तो आप एक साइड से कर सकते हैं ताकि आपका स्टोन भी ज़्यादा डैमेज ना हो और आपको पहचान भी हो जाए। तो दुकान में मैं फिर से बता रहा हूँ, ये करने से थोड़ा सा गुरेज कीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा कि अगर हम इसकी बैक साइड पर थोड़ा सा रगड़ के देख लें कि स्टोन असली है या नहीं है। तो ये वो पहचान है जो मोस्टली हम करते हैं जब हम कोई नया स्टोन या स्टॉक उठाने लगते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें एक पीस जो है वो उठा के उसकी पहचान ऐसे कर ले ताकि हमें पता चल जाए। वैसे तो हमें देख के पता चल जाता है स्टोन असली है या नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी जगह पे हमें डाउट गुजर रहा हो
तो हम इसकी ये आसानी से पहचान करते हैं।